नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। देखिए, कुछ ही दिनों बाद नया वर्ष आने वाला है और सभी लोग ये जानने को इच्छुक होते हैं कि उनका नया वर्ष किस प्रकार का रहने वाला है। तो मैं आपको आपकी राशि अनुसार ये बताने का प्रयास करूंगा कि आपका जो आने वाला वर्ष है वो किस प्रकार रहेगा। और ये वार्षिक राशिफल जो मैं बताने वाला हूँ वो 7 बिंदुओं पर डिपेंड करेगा, यानी 7 बिंदुओं को लेकर मैं आपको आपका राशिफल बताऊंगा। वो बिंदु कौन कौन से होंगे? व्यवसाय, धन संपत्ति, घर परिवार, स्वास्थ्य, यात्रा और तबादला, परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षा, धार्मिक कार्य तथा उपाय। इन्हीं 7 बिंदुओं के ऊपर मैं आपको पूरा वार्षिक राशिफल देने वाला हूं। तो इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं सिंह राशि की। जैसे आपने मेरे पिछले 4 वीडियो देखे होंगे, उसमें मैंने पिछले पहली 4 राशियों के बारे में आपको बताया था, और आने वाले जो वीडियो होंगे वो बाकी की राशियों के बारे में होंगे, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं सिंह राशि की। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं व्यवसाय की। तो व्यावसायिक दृष्टि से ये वर्ष आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। इस वर्ष आप औद्योगिक क्षेत्र में सफलता के नए कीर्तिमान बनाएंगे। कार्य क्षेत्र में पदोन्नति के भी योग बन रहे हैं। यदि आप एक कारखाना के मालिक हैं तो उसमें आपको दिन दुगनी सफलता मिलने के आसार हैं। इस वर्ष आपका पिछला सभी घाटा बराबर हो जाएगा। मतलब आपने जो अभी तक कुछ भी घाटा अगर खाया है, यानी कि कोविड की वजह से जो आपको प्रॉब्लम हुई है, वो सारा घाटा इस साल आपका बराबर होता दिखाई दे रहा है। और यदि आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं तो इस वर्ष उसमें भी आपको अपार संभावना का योग दिखाई देता है। चलिए अब हम बात करते हैं धन संपत्ति की। तो आर्थिक आधार पर देखा जाए तो इस वर्ष आपको भूमि तथा खुद का मकान बनाने के योग दिखाई दे रहे हैं। या तो आप भूमि खरीद सकते हैं या आप खुद का मकान भी बना सकते हैं, ऐसे योग आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं घर परिवार की। तो इस वर्ष आपको अपने साथी पक्ष से तनाव पैदा हो सकता है। मतलब जो आपके साथी है, या ये कह सकते हैं कि जैसे अगर आप एक पुरुष है तो आपकी पत्नी, और अगर आप एक महिला है तो आपके पति की तरफ से आपको तनाव हो सकता है। अतः इस बात का आपको ध्यान रखना है। आर्थिक मामलों को लेकर परिवार में विवाद की स्थिति बन सकती है। कोई भी लेन देन हो या आर्थिक मामला किसी प्रकार का भी हो तो वो परिवार में कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है जो वाद विवाद पैदा करे। फरवरी और मई माह में, यानी फरवरी और मई के महीने में मांगलिक कार्य संपन्न होने की संभावना है। चलिए हम बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये वर्ष आपके लिए अच्छा रहने वाला है। सर्दी के शुरुआती महीने में कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। बाकी स्वास्थ्य की तरफ से देखा जाए तो आपका पूरा साल अच्छा रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं हम यात्रा और तबादले की। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो अचानक आपका स्थानांतरण हो सकता है, यानी कि आपका ट्रांसफर कहीं अचानक हो सकता है, जिससे आपका मन बेचैन हो सकता है। जाहिर है, अगर किसी भी इंसान का ट्रांसफर कहीं दूसरी जगह होता है जहाँ वो चाहता नहीं है, तो बेचैन होना लाजमी है। दूर यात्रा का योग बनेगा। कहीं आप दूर की यात्रा आपके द्वारा हो सकती है। इसके कारण आपका विदेश दौरा भी हो सकता वो जो दूर की यात्रा है वो एक विदेश दौरे में कन्वर्ट हो जाए। तो चलिए हम बात करते हैं अब परीक्षा प्रतियोगिता की। तो अगर आप एक परीक्षार्थी हैं, या मतलब आप एक स्टूडेंट हैं, तो शिक्षा तथा प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के लिए ये वर्ष आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। यानी कि आप जिस भी परीक्षा में बैठेंगे, जिस भी परीक्षा में प्रतियोगी परीक्षा को आप अटेम्प्ट करेंगे, उसमें सफलता के अच्छे योग है। अपनी बस आपको करना क्या है कि अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत बनाए रखना है। कि जो आपकी मानसिक स्थिति है अगर वो मजबूत रहेगी तो आप किसी भी प्रकार की जो परीक्षा है, किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा है, उसमें आप सफल होंगे। चलिए हम बात करते हैं अब धार्मिक कार्य या उपाय की। मान लीजिए आप ये सभी चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको क्या उपाय करना चाहिए? तो आपको सूर्य मंत्र का जाप करना चाहिए तथा साथ ही बिल्व के पेड़ का रोपण करना चाहिए। मतलब आपको बिल्व का पेड़ लगाना चाहिए। बिल्व का पेड़ लगाना आपके लिए लाभदायक होगा। प्रत्येक गुरुवार को 1 किलो आलू में नमक हल्दी मिलाकर उबालें और गाय को खिलाएं। यानी 1 किलो आलू ले लें, उसमें नमक डालें, हल्दी डालें और ये दोनों चीज़ डालकर उसको उबाल लें और फिर गाय को खिला दें। अगर आप चाहते कि आप कोई रत्न धारण करें तो माणिक रत्न धारण करना आपके लिए लाभदायक होगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं हमारे नए वीडियो जो कि कन्या राशि के बारे में होगा।